हर हर महादेव। टेलीग्राम पर कई तरीके के प्रश्न हैं, ये जो है बहुत ही उपयोगी हैं, दैनंदिन से संबंधित हैं, नित्य कर्म से संबंधित हैं। क्या रात्रि में वेद मंत्रों को पढ़ा जा सकता है? क्या प्रातः की संध्या नहीं की गई तो सायंकाल की संध्या कर सकते हैं? किसी की समस्या है कि हम रात्रि में अपने काम करके आते हैं तो लेट हो जाते हैं, क्या लेट होने के बाद भी सायंकाल की संध्या कर सकते हैं? प्रातः हम सोते रह जाते हैं, संध्या काल निकल जाता है, क्योंकि मुझे को रात्रि में जो ड्यूटी करने पड़ती है तो प्रातः की संध्या हो ही नहीं पाती है, और मध्यान्ह की संध्या में हम वहाँ व्यस्त रहते हैं तो केवल शाम की संध्या कर ले तो काम चलेगा, इत्यादि प्रश्न है। इनका देखिए शास्त्रीय उत्तर देखिए। ये बात तो हम कई बार कह चुके हैं कि बिना संध्या किए किसी भी शुभ कर्म का द्विज जाति को भी अधिकार नहीं है, और संध्याओं में यद्यपि तीनों संध्याएं ही मुख्य हैं लेकिन उसमें भी प्रातः संध्या परम आवश्यक है। ध्यान देना, इस पर शास्त्रीय वचन है, उनको हम उद्धृत करेंगे। ये क्या कई प्रश्नों को रख लिया है तो शास्त्रीय वचनों को रखने पर बहुत जो है बड़ा हो जाएगा। शास्त्रीय वचन है बिल्कुल कि प्रातः संध्या यदि किसी ने नहीं की तो उसका अधिकार मध्यान्ह संध्या में और सायान्ह संध्या में भी नहीं है। तो प्रातः संध्या अगर कोई नहीं कर पा रहा है या किसी कारणवश किसी दिन नहीं कर पाई तो मध्यान्ह संध्या वो सायंकाल को कैसे करे, अथवा प्रातः काल और मध्यान्ह काल की संध्या भी नहीं हो पाई है तो सायंकाल की संध्या कैसे करे, या प्रातः काल की तो हो गई थी पर मध्यान्ह काल की प्रायः नहीं हो पाती है लोगों की, क्योंकि कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो सायंकाल की संध्या कैसे करें। देखिए, यदि प्रातः काल की संध्या नहीं की है तो सायंकाल को पहले सायंकाले प्रातः संध्योपासनम करिष्ये, सायंकाल को ही प्रातः काल की संध्या करूंगा ऐसा संकल्प करके पहले प्रातः काल की संध्या करे सायंकाल को, और फिर मध्यान्ह की करना हो तो करे या फिर सायंकाल की करे। तो मध्यान्ह की अपेक्षित नहीं है, प्रातः काल की संध्या करे और फिर वो सायंकाल की संध्या भी कर सकता है। ऐसे ही मध्यान्ह काल में, मध्यान्ह काल में यदि पहले प्रातः काल की संध्या हो चुकी है प्रातः काल, तब ही मध्यान्ह काल की संध्या का उसको अधिकार है। प्रातः काल संध्या अगर नहीं की है वो मध्यान्ह में ही करता है यदि, तो पहले प्रातः काल की संध्या करे फिर मध्यान्ह की करे, और सायंकाल को मध्यान्ह की आवश्यक नहीं है लेकिन प्रातः काल की करे, करना चाहे तो मध्यान्ह की करे फिर सायंकाल की करे। और यदि उसने मध्यान्ह काल की प्रातः काल तो संध्या कर ली थी लेकिन मध्यान्ह नहीं की है तो सायंकाल को भी वो मध्यान्ह संध्या कर सकता है, मध्यान्ह संध्या करके और फिर सायंकाल की संध्या करे, तब भी उसको तीनों काल की संध्या करने का ही फल मिलेगा और वो तीनों काल की संध्या उसने की है यही मान्य होगा। पर संध्या का कालातिक्रम हो गया तो कालातिक्रम के लिए एक एक माला गायत्री जब करना जो बतलाया गया वो आपको करना पड़ेगा प्रायश्चित रूप में, कालातिक्रम में संध्या का। और संध्या का एक दिन पूरा अगर संध्या नहीं की, एक संध्या एक दिन नहीं की तो लिखा हुआ है कि वो एक दिन का उपवास करे, प्रायश्चित। तो मैंने ये बतलाया कि प्रातः काल की संध्या परमावश्यक है, यदि वो सायंकाल तक नहीं हुई तो सायंकाल तक हो सकती है। तो सायंकाल कब तक हो सकती है शाम की संध्या, शाम को यदि कोई लेट हो जाए तो? तो देखिए धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि रात्रौ प्रथम प्रहर पर्यंतम दिनोक्त कर्माणि कुर्यात्। रात्रि के प्रथम पहर पर्यंत, यानी कि अगर 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 9 बजे तक, और लेट होता है तो 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक जाता है समय, कभी कभी ये रोज बदलता रहता है प्रहर का समय सूर्योदय के हिसाब से, है ना। सर्दियों में जो है सामान्य रूप से 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है, देश विशेष में
स्थान विशेष पर भी सूर्योदय से परिवर्तन होता रहता है। तो जो भी रात्रि काल है उसमें चार भाग रहने पर पहला जो भाग है वो प्रथम प्रहर कहलाता है। तो प्रथम प्रहर तक दिनोक्त कर्माण रात्रौ प्रथम प्रहर पर्यंतम, रात्रि के पहले प्रहर तक दिनोक्त कर्माण, दिन में पूरे दिन में कहे हुए सभी कर्मों को, वैदिक स्मार्त पौराणिक नित्य नैमित्तिक काम है ना, जो भी कर्म है उनको कर सकता है। परंतु कुछ कार्य विशेष ऐसे है जो नैमित्तिक उसी समय पूर्वाह्न में ही विहित है, मध्यान्ह में विहित है, उनके लिए बात नहीं है, ये सामान्य रूप से नित्य कर्म की बात चल रही है, ठीक है ना, सामान्य रूप से नित्य कर्म की बात है, मुख्य रूप से नित्य कर्म की ही बात है। तो रात्रि के प्रथम प्रहर पर्यंत दिन में कहे हुए जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के जो भी शुभ कर्म है उनको संपादित किया जा सकता है। तो वहां तक जो है संस्कृत के मंत्रों को वैदिक मंत्रों को पढ़ाई जाएगा तभी वो कर्म है। लेकिन कुछ कर्म के लिए मना किया है कि ये कर्म जो है रात्रि में फिर नहीं करे, प्रथम प्रहर सूर्यास्त के बाद ये कर्म नहीं होगा। वो क्या है कि ब्रह्म यज्ञम सौरम च वर्जये, ब्रह्म यज्ञ और सौर सूक्त का पाठ रात्रि में नहीं करे, है ना, सौर सूक्त सूर्य से संबंधित जो भी स्तवन इत्यादि हैं सूक्त हैं उनका और ब्रह्म यज्ञ का पाठ जो है रात्रि में नहीं करे। तो ये कार्य है, इसलिए ये जो अध्ययन हो सकता है, यदि कोई पढ़ना चाहे कुछ शास्त्र आदि तो वो भी स्वयं पढ़ सकता है और अध्यापन भी कराया जा सकता है प्रथम प्रहर तक, ये है। तो वैदिक कर्मों का मुख्य रूप से परिवर्जन जो है वो निशीथ काल में है, निशीथ काल माने मध्य के दो प्रहर, यानी कि 9 बजे से 3 बजे तक सामान्य बात, ये जो है रात्रि में इसमें कोई भी वैदिक शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। जिनका विशेष विधान है कि रात्रि में यदि ग्रहण पड़ा है या रात्रि में कोई पुत्र इत्यादि का जन्म हुआ है वो तो कभी भी हो सकता है, या कोई विशेष तीर्थ में कभी रात्रि में पहुंचे उस समय की एक बात अलग है, सामान्य रूप से कोई मरणासन्न है या कोई और ऐसी बातें हैं तो उस समय के वो जो है तन निमित्त कर्म हो सकते हैं, अन्यथा रात्रि में जो है परिवर्जित हैं। तो सुबह है जो सुबह का रात्रि का चतुर्थ प्रहर और रात्रि का प्रथम प्रहर, ये जो है वैदिक कर्म अनुष्ठान इत्यादि के लिए ग्राह्य है। मध्य के दो प्रहर जो निशीथ काल है उसमें परिवर्जित करना चाहिए। इसी संदर्भ में और बात सुनिएगा कि ये जो संध्या काल है, संध्या काल जो शास्त्रों में बताया गया है इसके ऊपर बड़ी हमने जो चर्चा कर भी चुके कई बार, जो मुख्य काल होता है उसके अलावा ये जो काल है ये गौण काल, ये जो समय है संध्या का कि सूर्य के सायं संध्या जो त्रिधा स्मृता उत्तम संध्या तब है जो उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्कर अधमा सूर्य सहिता प्रातः सायं संध्या त्रिधा स्मृता, है ना, अधमा तारकोपेता। सायं की संध्या जो है तीन तरीके की बतलाई गई, उत्तमा मध्यमा और अधमा। तो उत्तम है उत्तमा सूर्य सहिता, सूर्य के रहते ही जो है सायंकाल का कर्म संपादित कर लिया जाए तो वो उत्तम है, और सूर्य के अस्त होने के बाद और तारों के उदय होने के बीच में कर लिया जाए तो मध्यम है, और अधमा तारकोपेता तारों का उदय हो जाता है तो वो अधम मानी गई है। इसी तरीके इसका विपरीत प्रातः काल को है, प्रातः संध्या जो है सनक्षत्र लिखा हुआ, नक्षत्र जब हो तब उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। तो इस समय पर पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये संध्या काल है इस समय पे लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए संस्कृत का, और वैसे भी कोई भी भाषा इत्यादि नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बाद जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम आहाराज्जायते व्याधि क्रूर गर्भश्च मैथुने निद्राश्रयो निवर्तन्ते स्वाध्यायम या स्वाध्याय मरणं ध्रुवम। स्वाध्याय पढ़ने में जो है जो मृत्यु जैसा तुल्य कष्ट बतलाया है, इसलिए इस समय पर
अध्ययन अध्यापन संध्या काल में नहीं करना चाहिए, उसके बाद प्रथम प्रहर पर्यंत आगे हो सकता है। हर हर महादेव।